दिखाइए आपकी अप्रतिम मराठी कारीगरी वाले कंगन। लीजिए। वाकई में बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मींस के दिखाई नहीं दे रहे फिर भी मैं कल्पना कर सकती हूँ कि बहुत सुंदर है। चलेगा, खाली बॉक्स भी चलेगा। खाली बॉक्स? मुझे बॉक्स खाली है। अगर भाई तो फिर कंगन कहाँ गए? भाई 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 सगाई में बाधा आई। भाई 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 भाई। अरे ओ, अभी इसमें गाना मत बनाने बैठो। भाई 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 सगाई में बाधा आई। भाई भाई ऐसा नहीं करने का ऐसे टाइम पे। पहले ये ढूंढो अभी कंगन गए कहाँ, वो ढूंढो। ढूंढो। भाई 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 भाई। अरे आ, गजब नी बाईयो छे। अन्ना साहेब, 4-6 दिन में सगाई का शुभ मुहूर्त है अभिषेक के लिए। अब बस सिर्फ 4-6 दिन? फिर उसके बाद? अन्ना साहेब, उसके बाद 6-8 महीनों तक मुझे अभिषेक के लिए कोई योग्य मुहूर्त नजर नहीं आ रहा है। अरे लेकिन 4 दिन में सगाई कैसे करेंगे हम लोग? अरे तो अन्ना भाई, 4-6 हफ्ते बाद कर लेंगे, उसमें क्या? अरे नहीं नहीं महेंद्र भाऊ, उन्होंने क्या कहा सुना नहीं क्या आपने? तो फिर अन्ना भाई हमारे पुजारी को पूछ लेते हैं ना। अरे क्या हमारे पुजारी, तुम्हारे पुजारी? ये हमारे पुजारी एकदम बेस्ट क्वालिटी के हैं। क्या बेस्ट क्वालिटी? नहीं मतलब उत्तम कक्षा के हमारे मराठी। ये जब भी मुहूर्त निकालते हैं अप्रतिम और सही होते हैं इनके मुहूर्त। इसीलिए कह रहा हूँ 4-6 दिनों में सगाई कर दीजिए, वरना 1 साल तक आप लोग। 1 साल? अरे लेकिन अभी आपने 6-8 महीने बोला और मैंने आपकी तारीफ भी की, तो महीने कम करने के बजाय आप बढ़ा रहे हैं बिंदास। अरे नहीं नहीं प्रभाकर दादा, कायदे इसका है हा? अरे ये कोई विघ्न नहीं है, वो मरते हुए काका का श्राप सही साबित नहीं हो रहा है। अरे हाँ प्रभाकर, बरोबर बोला तूने, उस सपने में आए हुए काका का श्राप सही साबित होने लगा है। है ना, है ना अन्ना, है ना? मैंने बोला इन दोनों को, तो ये दोनों क्या बोले मालूम है? तेरी अंधश्रद्धा है केशव, और आपकी भी। अरे प्रभाकर, महेंद्र भाऊ मैं क्या पागल हूँ? महेंद्र भाऊ ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं? आपने हमारे बक्से में आपकी घटिया बाकरवड़ी दी ही क्यों उस भाई साहब को? और अभी अभिषेक और गायत्री के सगाई में विघ्न डालने के लिए जरूर उस काका की आत्मा। अन्ना, अरे काका आप इधर। तूने गुजराती की दुकान वाली बाकरवड़ी तूने तेरी दुकान के पैकेट में डाल के खिलाई, चल किया है तूने। क्षमा क्षमा, मरते हुए आदमी के साथ आप है मेरा, सगाई में बाधाएं आएंगी, लोग गुजराती भोजन मांगेंगे। अरे रे गुजराती दो। नहीं 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 नहीं, तेरी बाधाएं और बढ़ेंगी, तो लिख ले, टेक इट फ्रॉम मी। महेंद्र भाऊ, आपकी वो घटिया बाकरवड़ी खाके ये काका आपकी भाषा बोलने लगे हैं। टिकट बेचने लगी है, टिकट फ्रॉम मी। अरे परमेश्वरा, अभी क्या होगा? सासु भाई मैंने कहाँ रखी याद नहीं, शांति रखे मुझे याद नहीं आ रहा है। देख तूने गायत्री, बहुत महंगे वाले 2 कंगन थे जो तुम्हें सगाई में देने वाले थे, और इस भारती ने ढूंढो वही नहीं ढूंढो। अरे तेरे ससुर पूरा घर सर पे उठा लेंगे, उससे पहले भारती ढूंढो कंगन। बरा अरे वहाँ क्या देख रही है तू? मोरी के नल के अंदर जाके बैठ गए होंगे कंगन, लुका छुपी खेलते हुए। बरा बरा, भाई 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 भाई। वहीनी, वहीनी, वहीनी। आपको नक्की याद है आपने वो कंगन बक्से के अंदर रखे थे? हाँ हाँ याद है मुझे, क्या करूँ मैं? हाँ अरे निकाले थे, ये तो बोल चुकी है तू 50 बार, वापस उस बक्से में रखे या नहीं ये याद कर। वही तो याद नहीं आ रहा है मुझे सासु भाई। ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा भारती,
वो जब कंगन मैंने निकाले ना किचन में। किचन मतलब भारती भाभी आप किचन में ही कहीं भूल गए होंगे वो कंगन। आंटी चलिए चलिए देखते अन्ना का फोन। हेलो। अरे जोत्सना मेरा फोन उठा क्यों नहीं रही है? मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी। कुछ बोलना मत। हेलो भारती तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अरे बोलना बोल। आप ही ने तो कहा था बोलना मत सासू भाई। जोत्सना ने ऐसा बोला? क्यों भाई? क्योंकि अन्ना मुझसे कंग। तुझसे कंग? कंगी आपकी कंगी खो गई उससे तो उस बात को लेकर रो रही है। कंगी खो गई? देखो बाधा आने शुरू हो गई। मेरी मेरी कंगी खो गई। 2 रुपए की कंगी खो गई ये कोई बाधा है? 2 रुपए की नहीं थी मेरी कंगी, समझे ना। हाँ वार्षिक कैलेंडर खरीदा था ना उसके साथ फ्री मिली थी है ना अन्ना। हाँ आहो आओ आओ मैं शांत हूँ। हाँ वो सगाई के मुहूर्त के बारे में क्या बोले पंडित जी? उन्होंने मैं घर पे आकर के बोलता हूँ। राम राम। हाँ राम राम। चलो चलो। भारती भाभी पहले तो आप रोइए मत, रिलैक्स हो जाइए, सब लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए। हाँ बरबर। अरे इतना रिलैक्स होने को नहीं बोला था। बरबर। भारती भाभी दिमाग पे जोर दीजिए। आपने बक्से में से कंगन निकाले फिर क्या किया आपने? अब पीछे जाके सोचिए। बरबर। अरे पीछे जाके मतलब दिमाग को पीछे ले जाइए वही नहीं। बरबर। मैंने कंगन चमकाए कंगन किचन में ही होंगे अगर किसी ने वहां से चुरा ना लिए हो तो। चलिए चेक करते लेट्स गो। चलो चलो। हेलो। हेलो हाँ गायत्री वो कंगन मिले क्या? नहीं तलाश जारी है। ओहो सच में वो भाग्यश्री से तो मैं अच्छी हूँ। भाग्यश्री नहीं भारती मम्मी भारती। हाँ भाई हाँ सेम अवे। अभी दोनों में भात तो आता है ना तो तू क्या बाल की खाल निकालने बैठ जाती है ऐसे टाइम पे हैं? और मैं तो सिर्फ नाम भूलती हूँ वो तो पूरे के पूरे इतने महंगे वाले कंगन भूल गई कहीं पे रख के। बोल ये बताने के लिए फोन किया आपने? नहीं नहीं अच्छा अभी सुन वो जिग्ना बेन है ना मीन्स के वो तेरी होने वाली सास है ना उनको बोलना कि वो लोग पूरा का पूरा डब्बा यहाँ पे भूल के चले गए हैं। तो मैं क्या करती हूँ अभी इस बक्से में मेरे कंगन रख देती हूँ और उसको अच्छे से गिफ्ट रैप करके संभाल के रख दूंगी है? अगर अन्ना भाई ने कुछ पूछा या बोला कंगन के बारे में तो मैं बोल दूंगी कि उन लोगों ने मुझे गिफ्ट रैप करके अच्छे से दे दिए। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है चल बाय। निर्मिति इसे देख तो मटके के अंदर ढूंढ रही है कंगन। आई वहिनी ने तो हींग की डिब्बी के अंदर भी देख लिया ऐसे झांक झांक के। ओह बर 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 देवी अगर उनके आने तक कंगन नहीं मिले ना तो नॉर्मल रहना सब बिल्कुल नॉर्मल रहना चेहरे पे टेंशन मत रखना वरना उनको शक हो जाएगा। बर बर सासु भाई मैं ना हल्का हल्का नाचती रहूंगी अन्ना को खाना परोसते हुए। भारती भाभी अगर आप ऐसे करेंगी ना तो अंकल को तुरंत शक हो जाएगा। नॉर्मल मतलब एकदम नॉर्मल पेश आइए ना। बर बर मैं ऐसे मुस्कुराती रहूंगी ना तो अन्ना को बिल्कुल शक नहीं होगा बिल्कुल। अब वही नहीं रोको गायत्री रोको रोको कंगन ढूंढना रोक दो वरना इस निर्मिति की सांसें रुक जाएंगी।
पूछ ले तू। फटाफट पूछ लूंगी आई। वही नहीं, बिल्कुल शक नहीं होगा का इशारा? ऐसे कैसे? ये तो आपने चूहे जैसा इशारा किया, आवाज भी चूहे जैसे निकली। हाँ, चूहा बिल में ही तो रहता है ना। तो ये बिल्कुल का नहीं, बिल का इशारा था निर्मिति। हो गया तेरा, हो गया। अब सुनो, उन्हें परेशान मत करना, और भारती हो सके ना तो तू तो उनके सामने ही मत आना। पर ढूंढो कंगन, अब ढूंढो। केशव प्रभाकर, एक बार फिर से दिमाग पे जोर लगाओ ना। याद करो, वो आदमी ही जो अपने पिताजी को हमारी बाकरवड़ी खिलाना चाहता था, वो दिखता कैसा था मुझे बताओ, शायद मैं उसे पहचान पाऊँ। मैंने इतना ध्यान से, गौर से नहीं देखा अन्ना। बस प्रभाकर दादा बस, माना कि वो पुरुष था इसलिए ध्यान से नहीं देखा। अगर वो स्त्री होती तो क्या उसे गौर से देखते? शादीशुदा हो के आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? प्रभाकर, गाढ़वा नालायक चरित्रहीन, पराई औरत को तू बुरी नजर से देखता है? नहीं नहीं अन्ना, मैं पराई औरत को तो क्या, मेरी भारती को भी बुरी नजर से नहीं देखता, क्योंकि क्योंकि मैं तो गीतकार हूँ। जिसको कोई अच्छी नजर से नहीं देखता, समंदर खारा होता है न, कड़ी खारी होती है न दाल। उधर जा, केशव बड़ा इधर है। तू मुझे बता उस आदमी के बारे में। ना, मैंने कितनी बार बोला आपसे, वो आदमी को आखिरी बार महेंद्र भाव ने देखा था, उन्होंने उसे बाकरवड़ी बेची थी। मिका बंदो, आप उनसे फिर से जाके पूछिए ना, जाओ बिचारा जाना, बताएंगे वो। बरोबर बोला तूने, उनको ही जाकर के पूछता हूँ। लेकिन यहाँ बाकरवड़ी मिलती है क्या? कुछ बोला क्या? यहाँ बाकरवाड़ी मिलती है क्या? एक मिनट है। 15 मिनट। अब वो जीत पकड़ के बैठे हैं कि 4-6 दिन के अंदर सगाई करनी होगी, वरना बाधाएं आएंगी। सच में वहमी है वो, वहमी, इतना वहमी है वो। इनको बंद कीजिए ना इनको। ये देखो, हो गए बंद, ये ऑटोमेटिक है। अरे महेंद्र भाव, आप मुझे बताइए ना, वो आदमी कौन था? वही आदमी जिसने अपने पिताजी को आपके पैकेट में डाल के हमारी चाइनीज भाखरवड़ी खिलाई, जिसकी वजह से उनकी आत्मा भटक के आपके सपने में आकर आपको परेशान कर रही है। उसका क्या अन्ना भाई? ए उर्मिली, अब इनको बोल चाबी वाला खिलौना। मैं दोनों को ही देख के आती हूँ ना खिलौने की दुकान पे बेचने के लिए, फिर दोनों एक साथ उधर करना। चुप रहना तू। चलो अभी हो गया, आप दोनों का आपस का टिल हो गया, तो मुझे बताइए महेंद्र भाव, वो आदमी कौन था? अन्ना भाई, ये कोई होटल है ये, जहाँ हर आने वाले का मैं नाम और पता रजिस्टर करूँ? कितनी बार समझाऊंगा मैं अन्ना भाई आपको? वर्णन तो कर सकते हैं ना आप, कि दिखने में कैसा था वो आदमी? लंबा था, छोटा था, मोटा था, दुबला था, गोरा, सावला, पीला, काला, कैसा था? सुंदर दिखता था, रुबाबदार दिखता था, कि फिर गुजराती दिखता था? याद आ गया ना भाई, याद आ गया मुझे, वो दिखने में थोड़ा सा अकड़ू, खड़ूस, सनकी, थोड़ा सा एड़ा जैसा दिखता था, इन शॉर्ट आपके जैसा दिखता था मराठी। ए केशव गप्पे, बस तू क्या दांत दिखा रहा है उर्मिला बहन की तरह? महेंद्र भाव, आप एक काम कीजिए, आप है ना उस आदमी का वर्णन कीजिए अमोल के सामने। अमोल बहुत होशियार है, वो फटाक से वर्णन पे से चित्र बनाएगा उस आदमी का। नहीं महेंद्र, नहीं महेंद्र, मारना मत, होने वाले समझी है, मारना मत। अन्ना भाई, आप चित्र बनवा के क्या गली गली पोस्टर चिपकाने वाले हैं कि जल्दी से हमारे गोखले बंधु पे आ जाइए, क्योंकि आपके मरे हुए बाप हमारी सगाई में रुकावटें डाल रहे हैं? अरे मैं क्या बेवकूफ हूँ जो ऐसा करूंगा? महेंद्र भाऊ, हो सकता है वो चित्र देख के मैं पहचान जाऊँ कि वो आदमी कौन है। हाँ, ये बात बराबर है आपकी,
क्योंकि वो होगा तो कोई रेगुलर कस्टमर ही है अन्ना भाई, तो हो सकता है कि आप ऐसा चित्र में चेहरा देखेंगे तो शायद चेहरा पहचान भी जाएंगे, ये बात में दम है। आप वर्णन कर दीजिए महेंद्र। बरोबर बोला उर्मिला बहन, बरोबर बोला। आप वर्णन कीजिए, मैं अमोल को भेजता हूँ, समझ गए? हाँ बोलो। हाँ अभी तो बोला हाँ, लेकिन तभी मैंने बोलो हाँ नहीं बोला था ना, उससे पहले ही आपने हाँ बोल दिया। मैं अभी बोलता हूँ, बोलो हाँ है कि नहीं, बोलो हाँ। हाँ कंगन कहाँ चले गए होंगे कंगन? अग भाई 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 भाई, इतने महंगे कंगन भाई भाई, 2-2.5 लाख के कंगन। कंगन 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 कंगन, कब से कंगन कंगन क्यों बोल रही है तू? अरे उन्हें भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि कंगन खो गए हैं। हाँ वही नहीं, आप कंगन की बात हिम्मत कीजिए ना। बराबर। हाँ निर्मिति, भारती, रात का खाना परोसते समय सगाई से जुड़ी अच्छी अच्छी बातें करते रहना, ठीक है? बराबर। मैं अपनी चूड़ियां भी उतार देती हूँ ताकि कंगन से जुड़ी कोई चीज उनको दिखाई भी ना दे। नहीं नहीं, अरे तेरी ये सुनी कलाइया देखकर तेरा पति शुरू हो जाएगा। भारती के हाथ में नहीं है कंगन, इसलिए दिखती है वो अधूरी। भारती ने नहीं पहना है मंगलसूत्र, इसलिए दिखती है वो अधूरी। तो मंगलसूत्र और सोने के कंगन एक हुए, अनिल कपूर और रवीना टंडन एक हुए। अरे वाह, मंजे वो आपे के सासू भाई? अब वही नहीं, अब आप सभी पहनिए और कंगन शब्द अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है? बराबर। वैसे मैंने अनिमेश बहू जी को फोन किया था उनको ये बताने के लिए कि शायद हमारे कंगन चोरी हो गए। क्या? वो पुलिस अफसर है ना, तो निर्मिति फोन लगा अनिमेश भाव को और बोल कि उन्हें ना बताए। भारती तू? लेकिन मेरा फोन लगा नहीं सासू भाई, तो मैं उनको बता नहीं पाई। अरे कट कर कट कर ये एक दिन हार्ट अटैक दिलवाएगी मुझे। तू कुछ मत कर, खाना बना और मुंह बंद रख, समझ गई? बराबर बराबर बोलने के लिए तो मुंह खोल सकती हूँ ना सासू भाई। ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, कैसे? वो इन्होंने ये बताया। भंडार भंडिया, मैंने कहा उज्ज्वला मुझे कोई रास्ता दिखाओ ना, गायत्री को गिफ्ट में क्या पसंद आएगा ये मैं कैसे पता करूं? देवा 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 देवा, कलयुग और कलयुग, विवाह संपन्न होने से पहले अपनी होने वाली अर्धांगिनी से इतना उन्माद भरा मेल मिलाप अशोभनीय है। क्या? लो शुरू हो गई माइथोलॉजिकल टीवी सीरियल। आपका नाम मंदार नहीं मोहिंजोदार रखना चाहिए था। मोहिंजोदार क्यों? उतनी पुरानी सोच है इनकी, मोहिंजोदारो जितनी। सच में मंदार दादा, अभिषेक काका गायत्री काकी को प्यार भरा तोहफा देना चाहते हैं, उसमें गलत क्या है? हाँ हाँ, बंडिया को भी तो पेंसिल दी थी उसकी फ्रेंड नम्रता ने। हाँ? ओहो बंडिया, मतलब एक ही मंडप में चाचा भतीजा दोनों की सगाई। उज्ज्वला चोमड़ी चुप बैठ तू, कुछ भी बोल दिया। रे बाप रे, ये तो शर्मा गया। बंडिया नम्रता ने तुझे पेंसिल दी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लड़का लड़की अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, ये तो अच्छी बात है। और एक बात याद रखना, अपनी दोस्त का हमेशा सम्मान करना, क्योंकि अभी प्रवचन करने बैठ गए। काका गायत्री दीदी की पसंद जाननी है ना आपको, मेरे पास एक सुपर आइडिया है। हाँ सुनो। बोलो ज्वला, बोलो ना। वो मेरी जुबान की बैटरी मेरी हथेली में है, देखिए खत्म हो गई। मतलब आइसक्रीम के पैसे मिल जाते तो अपने आप रिचार्ज हो जाती बैटरी।
मैं खिलाऊंगा तुझे आइसक्रीम, प्रॉमिस। अब हथेली को रिचार्ज करो और अपनी जुबान चलाओ। अमोल को ये देखो, मैंने स्केच बना लिया। एक मिनट भाड़ा। क्या 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 थे? एक किलो भाकरवड़ी। अमोल केशव, ये तो बस प्रभा कर दादा बस। अभी क्या बोले हा? मैंने उस आदमी को गौर से नहीं देखा, अभी अमोल ने मस्त स्केच बना के दिया है तो आपकी याददाश्त वापस आ गई। अरे याददाश्त तो मेरी ताजा हो जाएगी अगर वो हमारा रोज का गिराक निकला तो। दिखा दिखा वो चित्र दिखा मुझे। अरे ये तो अपना वो है चैतन्य क्षीर सागर। अरे ओ लेकिन ये तो अमोल बाड़ा। गप्पो बस, तेरा काम हो गया ना, अभी अन्ना को डिस्टर्ब मत कर बाड़ा। अरे लाला वो संग्रह रहा गिराई को का। ए केशव, ये तो आमिर खान है। आपके गीतों की किताब फाड़ दूं? तो गप्पो बसा, चुपचाप खड़े रहिए, मैं तमाशा देखता हूँ। क्योंकि आमिर खान का स्केच देख कर अन्ना चैतन्य क्षीर सागर को फोन करके पूछेंगे तेरे पिताजी मर गए क्या। बहुत मजा आएगा। चिराग देसाई चैतन्य चैतन्य क्षीर सागर। हेलो हेलो चैतन्य क्षीर सागर।